गुड इवनिंग साथियों, हंस वाहिनी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपन इस कक्षा में अपन सभ्यता की इस कक्षा को अंतिम पड़ाव यानी अंतिम कक्षा में अपन अध्ययन करेंगे कुछ बची हुई अपनी जो सभ्यता स्थल है उनके बारे में। और सबसे पहले हम पढ़ रहे थे भरतपुर जिले से संबंधित सभ्यताएं पढ़ रहे थे, नोहपडी मल्हापडा, उसमें एक सभ्यता स्थल आता है बयाना। बयाना, अब ये तो प्रश्न का उत्तर तो आ ही गया कि बयाना कहां पर है, भरतपुर में है। भरतपुर, इसी बयाना का प्राचीन जो नाम मिलता है, प्राचीन नाम वो है सोनितपुर। सोनितपुर बयाना भरतपुर, प्राचीन नाम इसका क्या मिलता है, सोनितपुर। अगर अपन इसकी बात करें, यहाँ जो अवशेष मिले हैं, एक तो गुप्तकालीन अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, गुप्तकालीन अवशेष, वह मध्यकाल की अपन बात करें, मध्यकालीन समय में यहाँ नील की खेती के अवशेष मिले हैं। मध्यकालीन समय में नील की खेती के अवशेष, नील की खेती के अवशेष यहाँ पर मिले, नील की खेती के अवशेष मध्यकालीन समय में नील की खेती के अवशेष हमें जिस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं वो अपनी सभ्यता कौन सी है, बयाना भरतपुर की सभ्यता है। और जिसका हमने प्राचीन नाम पढ़ा सोनितपुर, गुप्तकालीन अवशेष व मध्यकालीन अवशेष भी इसी क्षेत्र से हमें प्राप्त हुए हैं बयाना भरतपुर में। एक चीज और भी याद कर लेना, इसी सभ्यता से संबंधित एक अपना जो फैक्ट है वो है सर्वाधिक कब्रों का अवशेष भी यहीं पर मिलता है। तो सर्वाधिक सर्वाधिक कब्रों का जो अवशेष है वो भी अपने को क्या मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, सर्वाधिक कब्रों का अवशेष, का अवशेष। ये थी अपनी जो सभ्यता और इस सभ्यता का नाम क्या हुआ, बयाना। बयाना स्थल है भरतपुर में, प्राचीन नाम सोनितपुर हो गया, गुप्तकालीन अवशेष, मध्यकालीन समय में नील की खेती के अवशेष, सर्वाधिक कब्रों का अवशेष इसी क्षेत्र में मिलता है। अब बयाना से अपन आगे चलते हैं, बयाना की बात बारी आती है यानी कि बूंदी में कुछ क्षेत्र है, कोटा में भी है, तो बूंदी की अपन बात कर लेते हैं। बूंदी में एक स्थान है जिसका नाम है गर्दड़ा। गर्दड़ा, गर्दड़ा, और ये कहां पर है बूंदी में, बस पहला तो यही प्रश्न आया हुआ है गर्दड़ा कहां पर है, बूंदी में है। और ये आप लोगों को सीधा सीधा याद कर लेना है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, गर्दड़ा बूंदी में। और एक चीज यहाँ आती है, यहाँ एक पुरातत्व महत्व की पेंटिंग मिली है, उसका नाम है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के यहाँ मिली है। तो इसे आप, यहाँ एक प्रश्न बनता है, भारत की प्रथम पुरातत्व महत्व की ये पेंटिंग है, भारत की प्रथम पुरातत्व महत्व की ये पेंटिंग है, पुरातत्व है महत्व की पेंटिंग है, महत्व की पेंटिंग जो हमें कहां से मिली है, पेंटिंग और जो हमें मिली है कहां से, गर्दड़ा, और गर्दड़ा कहां है, बूंदी में। बूंदी का एक स्थल और आता है जिसका नाम है नैनवा। नैनवा, और इस नैनवा स्थल की बात करेंगे तो यहाँ शक्ति से संबंधित जो अवशेष मिले हैं, तो मैं ये लिख रहा हूँ शाक्त धर्म के अवशेष, शाक्त धर्म के अवशेष यहाँ पर मिले हैं, शाक्त धर्म के अवशेष। और जब अपन बात करेंगे यानी कि नैनवा की, नैनवा यानी कि बूंदी, शाक्त धर्म के अवशेष यहाँ पर, यानी शाक्त मतलब शक्ति की उपासना करने वाले, शिव मतलब शिवजी की उपासना करने वाले, वैष्णव मतलब विष्णु की उपासना करने वाले, और यहाँ शाक्त का मतलब हो गया शक्ति प्लस ए, है ना, शक्ति प्लस ए उपसर्ग से बना शब्द है, बात करेंगे अपन तो नैनवा बूंदी। और यहाँ पर ये ध्यान रख लेना, महिष मर्दिनी माता का यहाँ मंदिर भी, मूर्ति मिली है,
महिष मर्दिनी की मूर्ति, मरण मूर्ति का भी उल्लेख मिलता है। तो महिष मर्दिनी की जो मूर्ति है वो नैनवा, और नैनवा कहां पर है, बूंदी में इसका अवशेष मिला है। तो ये दो अपने स्थल थे बूंदी के, दोनों के बारे में हमने पढ़ा। एक ये बहुत महत्वपूर्ण है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, जो कि कहां है, गर्दड़ा बूंदी में है। इसके बाद यहाँ एक और स्थल है कणसुआ, ये तो जाना पहचाना स्थल है, आप जानते ही हो कणसुआ। और कणसुआ कहाँ पर है, कोटा में है। और यहाँ से जो चीज हमें मिली है वो क्या है, कणसुआ कोटा, यहाँ से एक शिलालेख हमें प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है। कणसुआ अभिलेख आपको याद होगा, बताया हुआ है कणसुआ अभिलेख। और कणसुआ जो अभिलेख है इसमें ये, यानी कि अपन बात करेंगे 738 ईस्वी का ये जो अभिलेख है, इसके अंदर वर्णन क्या किया गया है, इस कणसुआ अभिलेख के अंदर मौर्य शासक धवल देव का वर्णन है, मौर्य शासक धवल देव का वर्णन है, धवल देव का वर्णन या उल्लेख मिलता है। इसलिए ये जो अपना स्थल है ये याद आपको इस प्रकार करना है कि इस अभिलेख यानी इस कणसुआ जो स्थल है, यहाँ से हमें किस युग के बारे में, किस समय के बारे में, मौर्य कालीन समय के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य कालीन अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कणसुआ कोटा, और कोटा का जो अपना अभिलेख है 738 ईस्वी में ये प्राप्त हमें हुआ था। मौर्य शासक धवलदेव के बारे में हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, कणसुआ कोटा अभिलेखों में हमने इसका जिक्र भी पहले से करके आ रहे हैं। इसके बाद यानी इसके बाद अपन आगे चलते हैं अपने अगले जिलों के अंदर, और वहां जो जिले में जो सभ्यताएं हैं, तो सीधा चलते हैं अपन लोग यहाँ से, क्योंकि छोटी बड़ी है। जैसे मानपुरा हमने चर्चा की कोटा में है, छोटी है, सीधा नाम याद करना है। उसके बाद खानपुरा भी पढ़ी हमने झालावाड़ में, और हमने रेलावण सभ्यता भी पढ़ी थी, स्थल सभ्यता स्थल रेलावण, यानी कि रेल पर चढ़कर हम बाहर जाते हैं, तो बारह ये भी चर्चा की थी। अब उसके बाद अपन महत्वपूर्ण सभ्यता स्थलों में भीलवाड़ा जिला आता है। भीलवाड़ा की एक तो महत्वपूर्ण हम कर भी चुके हैं, बागौर भीलवाड़ा कर चुके हैं, लेकिन दोस्त और भी है अपने, एक स्थल है ओजियाना, और एक अपने पास और नाम है, और वह कौन सा है ओजियाना, ये हमें पूरा याद रखना है, क्योंकि कई बार सीधा जिले से प्रश्न आता है। और उसके बाद एक आता है लाछुरा, एक आता है लाछुरा, ये दोनों सभ्यता स्थल है, कहाँ पर है, पहला प्रश्न तो यही आता है ओजियाना, और ओजियाना कहाँ पर है भाई, भीलवाड़ा में, दोनों बात कर दी, आसिंध और आसिंध कहाँ है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा यानी यहाँ का, दोनों का ये सभ्यता स्थल है। दूसरी बात भी ये भी याद रख लेनी है, ये जो सभ्यता स्थल है आहाड़ सभ्यता का ही स्थल है भाई, आहाड़ सभ्यता का स्थल, सभ्यता का ये क्या है, स्थल है। और कौन से स्थल की बात कर रहे हैं लोग अपन, ओजियाना की और लाछुरा की जब अपन बात करेंगे इसके तुलना में, तो ये लाछुरा भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। लाछुरा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, ओजियाना आसिंध भीलवाड़ा आहाड़ सभ्यता का स्थल है, लाछुरा भी भीलवाड़ा क्षेत्र में भी पाया जाता है। इन सभ्यता के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, उत्खनन से संबंधित एक फैक्ट रहता है। इस ये जो अपने ओजियाना है इसका जो उत्खनन होता है 1900 अपन बात करते हैं इसकी 1999 से 2000 तक, पूरे 2000 तक, यानी 1999 से 2000 ईस्वी तक इसका उत्खनन किया जाता है। और इस सभ्यता का जो उत्खनन है वो 1998 में किया जाता है, 1998 लाछुरा भीलवाड़ा की है 1998। और यहाँ पर राजस्थान जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा खुदाई की जाती है, राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर क्या की जाती है, खुदाई व उत्खनन किया जाता है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि ओजियाना किस जिले में है, तो उत्तर आएगा भीलवाड़ा में, और लाछुरा भी कहाँ है, भीलवाड़ा में। एक और महत्वपूर्ण भीलवाड़ा की मैंने आप लोगों को बताई थी पहले, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे बागौर, और ये भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। इसके आगे अपन भीलवाड़ा के पास चित्तौड़गढ़ की वाली हमने कर ली,
और उस सभ्यता स्थल का नाम हमने भी देख लिया था और उसका नाम क्या था, नगरी। उसके बाद अपन बात करते हैं अगली सभ्यता स्थल की, और वो अगला सभ्यता स्थल अपना रहेगा उदयपुर का। उदयपुर की भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल हमने यहाँ की है अहाड़, और यहाँ पर कुछ और भी है, एक तो आती है अपनी बालाथल, बालाथल जो सभ्यता स्थल है, और एक और भी सभ्यता स्थल है ईशवाल नामक सभ्यता स्थल का भी उल्लेख मिलता है ईशवाल का, और एक और स्थल है उसका भी नाम मिलता है धौली मगरा। यानी इन तीनों ही सभ्यता स्थलों से सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना होगा कि इन तीनों सभ्यता स्थल ये किस जिले में, पहला प्रश्न तो यही बनता है यहाँ से। तो ये तो हम नक्शे से भी पता कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बालाथल है ये वल्लभ नगर, और वल्लभ नगर कहाँ पर है, उदयपुर। वल्लभ नगर तहसील है वहां की, उदयपुर की ये सभ्यता है, कौन सी, बालाथल सभ्यता। और इसी सभ्यता के पास हमने यहाँ ईशवाल सभ्यता की है, और ईशवाल सभ्यता भी किस जिले की बात अपन कर रहे हैं, और वो जो अपना जिला है वो कौन सा है, उदयपुर है, ईशवाल उदयपुर। बालाथल की बात करेंगे तो इससे संबंधित एक फैक्ट और भी है, वो कौन सा है, इसका जो उत्खनन है वह है 1993, यानी उत्खनन की बात करेंगे तो वो 1993 है, और यहाँ जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम है वीएन मिश्र। याद होगा आपको वीएन मिश्र का पूरा नाम, काफी समय से 2-3 बार हम पढ़ रहे हैं वीएन मिश्र, यानी कि अपना कौन सा मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है बालाथल सभ्यता का, वल्लभ नगर उदयपुर। ये भी ताम्रयुगीन सभ्यता है। आहाड़ सभ्यता का भी स्थान है, आहाड़ सभ्यता का यहाँ विशेषता मिलती है, आहाड़ सभ्यता का स्थल है। और साथ में ये भी आप लोगों को याद करना है, नदी की जब बात की जाएगी तो ये आहाड़ सभ्यता की जो नदी है उस की नदी भी यहीं पर है, बनास नदी। ठीक है, बालाथल की अपन बात कर रहे हैं, वल्लभ नगर गुजरात, उत्खनन 1993 में हमने करवाया, और जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम क्या था, वीएन मिश्र। यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण अपन बात कर लेते हैं, तो उसमें एक तो यहाँ मिलता है 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ मतलब कुष्ठ रोग के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये जो अपन स्थल किसकी बात कर रहे हैं अभी, बालाथल की, तो यहाँ मैं ये लिख रहा हूँ 4000 वर्ष प्राचीन, 4000 वर्ष प्राचीन एक क्या मिलता है, कंकाल मिलता है। और ये जो कंकाल है, इस कंकाल से ये अंदेशा लगाया जा सकता है यहाँ कि यहाँ पर कुष्ठ रोग इनके था, तो कुष्ठ रोग के अवशेष, यहाँ रहे कुष्ठ रोग के अवशेष। पीछे हमने कालीबंगा सभ्यता में एक चीज पढ़ी थी कि एक 6 छिद्रयुक्त खोपड़ी पड़ी थी, जिसे हमने अंदाजा लगाया था कि वहां पर जो रोग था उस रोग का नाम क्या है, सरगलन रोग है। इसी बालाथल सभ्यता की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर दुर्ग के समान या दुर्ग के जैसे महल मिले हैं, यानी दुर्ग तो नहीं मिले हैं लेकिन दुर्ग जैसे महल मिले हैं। कालीबंगा में दुर्ग के अवशेष मिले थे, लेकिन यहाँ ध्यान है दुर्ग के जैसे या दुर्ग जैसे महल मिले हैं, और प्लस एक मकान, एक मतलब 11 मकानों का एक महल भी मिला है, ये भी आपको याद नहीं, 11 कमरों का एक महल, यानी एक भवन है जो 11 कमरों का है, वो हमें इस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये थी अपनी बालाथल सभ्यता, वल्लभ नगर, उदयपुर, बनास नदी के ये जो किनारे हैं हमें मिली है, और ये भी बात हमने की है वीएन मिश्र इसके खोजकर्ता थे, 1993 में इनकी खोज की थी, ताम्र पाषाण कालीन ये सभ्यता है, 4000 वर्ष पुराना कंकाल हमें इससे मिला है,
दुर्ग जैसी एक इमारत का भी हमने यहाँ पर क्या किया है, उल्लेख किया है। और जब अपन बात करेंगे यहाँ के अगर व्यवसाय की, तो वो हो जाएगा अपना पशुपालन है, कृषि व शिकार, तीनों व्यवसाय करते थे। और मकानों की जब अपन बात करेंगे तो पत्थर व ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया था, पत्थर व ईंटों का प्रयोग। व्यवसाय की अपन बात करेंगे तो यहाँ व्यवसाय या यहाँ जो अवशेष हमें मिले थे व्यवसाय के रूप में, तो ये लोग शिकार भी किया करते थे, प्लस ये क्या हो जाएगी कृषि और प्लस पशुपालन, यानी तीनों जो व्यवसाय ये लोग अपनाते थे। और भवन इनका निर्माण की बात करेंगे, भवन निर्माण की, तो वो जो हो जाएगा यानी भवन निर्माण में ये लोग ईंटें प्लस पत्थर का प्रयोग किया करते थे, ईंटें प्लस पत्थर का प्रयोग भवन निर्माण में ये करते थे। और ये किस सभ्यता की अपन बात कर रहे हैं, बालाथल सभ्यता की, जो कि कहां पर है, उदयपुर में हमें प्राप्त हुई है। इसके बाद अपनी उदयपुर की एक और महत्वपूर्ण सभ्यता जो अभी अभी चर्चा कर रहे थे, और उसका नाम क्या है, ईसवाल। ईसवाल सभ्यता भी उदयपुर का महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। ईसवाल जिसे क्या कहा जाता था, एक यहां से भी प्रश्न बनता है, वो है ईसवाल। और ईसवाल से एक चीज ध्यान रख लेना, ये उदयपुर में है ये तो ठीक है, लेकिन यहां से जो प्रश्न बनता है, उदयपुर की इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता था, उदयपुर की औद्योगिक नगरी, औद्योगिक नगरी। और यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि ये जो औद्योगिक नगरी है, यहाँ उद्योग जो थे वो कौन से उद्योग प्रभावित थे, लोह उद्योग, अवशेषों के आधार पर लोह उद्योग यहाँ पर चलता था। और इसी से यहाँ एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि 2000 वर्षों तक लगातार यहाँ पर क्या होता रहा, लोहे गलाने का काम होता रहा भाई, लगातार लोहे गलाने का काम यहाँ पर मिलता है, काम के अवशेष प्राप्त होते हैं। और वो किस स्थल से प्राप्त होते हैं, वो अपना है ईसवाल, उदयपुर, उदयपुर की इसे क्या कहते हैं, औद्योगिक नगरी। और यहाँ जो उद्योग है कौन से, लोह उद्योग। और बात की 2000 वर्षों तक लगातार लोह गलाने का के काम के यहाँ पर क्या मिले, अवशेष मिले। ईसवाल की बात, अभी हमने एक नाम यहाँ लिखा था जिसका नाम था धौली मगरा, और धौली मगरा की जब बात करेंगे तो यहाँ एक चीज आपको याद करनी होगी, धौली मगरा आहार सभ्यता का स्थान है ये, आहार सभ्यता का। अगर इस सभ्यता की अगर बात करें तो ये लोहे से संबंधित है, तो लोहे युगीन हो गई, लोहे युगीन, और अपन इस वाल में लोह युगीन। और इसके अंदर बात करेंगे तो आहार ताम्र युगीन थी, है ना, ताम्रवती नगरी हमने कहा था इसे, तो धौली मगरा आहार, मतलब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ धौली मगरा किस स्थान पर है पहले तो ये भी ध्यान रखना है, और वो कहाँ पर है, उदयपुर में है। और दूसरी बात, आहार सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल है ये, आहार सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल, आहार सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल, नवीनतम स्थल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आहार सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल। एक ही प्रश्न आएगा यहाँ से, धौली मगरा आहार सभ्यता का सबसे नवीनतम स्थल, और ये कौन सी सभ्यता है, आहार सभ्यता है तो हमें पता है कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन कौन सी है, सभ्यता है। तो ये हमने ईसवाल सभ्यता और धौली मगरा की मतलब अपने बीकानेर के बाद, बीकानेर के आगे, सॉरी, यानी हम यहाँ उदयपुर की बात कर रहे हैं, उदयपुर की हमने तीन महत्वपूर्ण, एक तो पहले कर चुके हैं आहड़ और ईसवाल और धौली मगरा किया, तो ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण दोनों ही सभ्यता है। इन सभ्यताओं के आगे आप अपन उदयपुर से चलते हैं, उदयपुर के पास ही राजसमंद का क्षेत्र आता है, और राजसमंद में एक सभ्यता स्थल है जो हमने मैप में पढ़ रखा है जिसका नाम है गिलुंड। नाम क्या है,
गिलुंड है, और गिलुंड कहाँ पर है, राजसमंद में है, राजसमंद में। और ये जो सभ्यता स्थल है गिलुंड, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो एकमात्र प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हाथी दांत की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। अलग है सबसे हटकर हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी ही होगी, यानी गिलुंड राजसमंद में है और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष है वो हमें गिरुंड में मिले, महत्वपूर्ण बात मैंने आप लोगों को बताई है। और अगर इसी सभ्यता की अपन अन्य भी कोई बात करें तो इसके उत्खनन की बात हो जाती है। उत्खनन किसने करवाया, उत्खनन यहाँ पर 1957-58 की बात है, 1957-58 में बीबी लाल नाम जाना पहचाना जरूर है, आपको याद होगा कालीबंगा सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे वहां पर बीबी लाल और बीके थापर को पढ़ा था ना, ब्रजवासी लाल इसकी फुल फॉर्म है। 1957-58 में इसने यहाँ पर क्या किया, उत्खनन कार्य करवाया, और उत्खनन कार्य किसने करवाया, बीबी लाल ने 1957-58 में। गिलुंड राजसमंद में है, हाथी दांत की चूड़ियों के यहाँ पर क्या मिले हमें, अवशेष मिले हैं। तो गिलुंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद अपन चलते हैं, गिलुंड से आगे बढ़ते हैं और अपन पहुंच जाते हैं सोनू गांव में। सोनू गांव की बात करेंगे तो हम पहुंच गए हैं, सोनू गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर में एक चीज याद रख लेना, सोनू गांव से संबंधित जो फैक्ट है वो एकमात्र फैक्ट वो यही है कि इस गाँव में चूहे के दांत के अवशेष मिले हैं। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी वो थी हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष, और अब यहाँ पर क्या है, चूहे के दांत के अवशेष। और चूहे के दांत के अवशेष कहाँ पर मिले, सोनू गांव, और सोनू गांव कहाँ पर है, जैसलमेर में। सोनू गांव की ये दो बातें महत्वपूर्ण है, एक तो जैसलमेर में, दूसरी है चूहे के दांत के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। गिलुंड हो गया, गिलुंड की अच्छी जो बात थी वो थी हाथी दांत की यहाँ पर क्या मिली हमें, चूड़ियां प्राप्त हुई है। गिलुंड के बाद में अपन बात करेंगे अपनी एक और सभ्यता स्थल, और वह जो सभ्यता स्थल है उसका नाम है कुराड़ा। कुराड़ा सभ्यता स्थल की जब भी चर्चा करेंगे तो सीधी सीधी बात तो हमें ये जाननी होगी कि ये सभ्यता स्थल है कहाँ पर। तो ये सभ्यता स्थल अपना नागौर जिले में है, पर्वतसर तहसील है, नागौर जिला है और कुराड़ा गांव है, यहाँ पर सभ्यता स्थल है ये हमें प्राप्त हुई है कुराड़ा। और जो कि इसकी जो तहसील है वो कौन सी है भाई, पर्वतसर है, और जिला इसका कौन सा हो गया, नागौर से हमें प्राप्त हुई है। यहाँ की प्रमुख जो बात क्या है, एक तो अभी अभी हमने पढ़ी है औद्योगिक नगरी, हमने क्या पढ़ा अभी, औद्योगिक नगरी, और अब हमें यहाँ इस कुराड़ा से संबंधित प्रश्न आएगा औजारों की नगरी कहा जाता था किसे, कुराड़ा को, और कुराड़ा कहाँ पर है, पर्वतसर कहाँ है, नागौर में। अगली बात इसकी एक और याद रख लेनी है, एक शब्द आता है प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अर्घ्य पात्र के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। और अब आपको यहाँ थोड़ी सी हिंदी में जाना होगा कि ये प्रणाल क्या होता है, तो प्रणाल युक्त अर्घ्य पात्र के अवशेष, प्रणाल ध्यान रख लेना, एक जल मार्ग होता है, प्रणाल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जल मार्ग, शब्दकोश में ऐसे शब्द बहुत ही कम जगह मिलते हैं, जल मार्ग प्रणाल युक्त, जल मार्ग युक्त अर्घ्य पात्र, सीधी सीधी बात है, हम इसको काम भी लेते हैं, जानते भी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई जग वगैरह रखते हैं तो उसके एक कोने पर पानी निकलते हैं, एक छोटा सा ऊपर लगा होता है जग के ऊपर चिन्ह, उससे पानी निकलता है, ठीक है,
तो वही क्या है, ये प्रणाल है, ठीक है। इसी प्रकार कमंडल के भी एक भाग को इसे थोड़ा सा आगे से मोड़ा जाता है और उसको आगे से जहां पानी जाने का मार्ग छोड़ा जाता है, तो ये जल मार्ग है। तो प्रणाल युक्त यहाँ पर क्या मिले हैं, अर्घ पात्र। बात इससे और भी महत्वपूर्ण है कि ये अर्घ पात्र है, इसकी साम्यता मतलब इसकी समानता इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि ये इसकी जो समानता होती है ईरान की सभ्यता से, और इसलिए ये अंदाजा लगाया जाता है कि इन लोगों का संबंध कहाँ तक था, ईरान तक था। तो ये वाली बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ इनके राजनीतिक या व्यापारिक संबंध रहे होंगे, और वो अपनी स्थल की बात की, कुराड़ा की। कुराड़ा के बाद अपन अगले स्थल की बात करते हैं, सभ्यता स्थल की। तो अब अपन पहुंच जाते हैं बीकानेर में, और बीकानेर में एक स्थल है जिसका नाम है सोनथी। सोनथी सभ्यता स्थल है, और ध्यान रखें सोनथी के बारे में जब भी पढ़ेंगे पहला फैक्ट ये रहेगा, ये किस जिले में है, बीकानेर में है। अधिकतर किताबें कई बड़े बड़े पब्लिकेशन है जो इसको हनुमानगढ़ के अंदर छाप रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान रखें। सोनथी है जो सभ्यता स्थल है वो बीकानेर में है, और इस सभ्यता स्थल की एक महत्वपूर्ण जानकारी, पहली बात तो इसका उत्खनन कार्य करवाया जाता है जिस व्यक्ति ने, वही व्यक्ति करवाता है जिसने कालीबंगा की खोज की थी। नाम आपको याद होगा, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पर क्या करवाया जाता है, उत्खनन कार्य। और दूसरी बात, इस सोनथी सभ्यता को, ये जो सोनथी स्थल है कहाँ पर है, बीकानेर में। हमने बीकानेर के और भी स्थल पढ़े थे, डोडाछोरा, पुंगल और साबणिया जो स्थल पढ़े थे बीकानेर के थे, सोनथी बीकानेर में है, उत्खनन अमलानंद घोष के द्वारा। दूसरी बात ये याद रखना, इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है, प्रथम के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, पूछा जाएगा कालीबंगा प्रथम किसे कहते हैं, तो वो आपको याद रख लेना है, किसको कहते हैं, सोमथी सभ्यता स्थल को। और अब हम सभ्यता के अंतिम पड़ाव पर, और लास्ट सभ्यता स्थल अपने पास बचा है, और उसका नाम है ब्रोर, जो कि अपना सभ्यता स्थल कहां पर है, ब्रोर। और ब्रोर कहां पर है भाई, गंगानगर। कहां पर है, गंगानगर। गंगानगर में इस सभ्यता स्थल की अपन बात करेंगे, तो अगर इसकी नदी पढ़ेंगे तो वही नदी है जो कालीबंगा की है, जिसका नाम क्या है, सरस्वती नदी। और सरस्वती का ही नाम अभी जो ये वर्तमान में गग्गर, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है, ब्रोर गंगानगर की जो सभ्यता है। अगर अपन इसकी बात करें उत्खनन की, तो उत्खनन इसका होता है 2003 ईस्वी में, और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रख लेनी है, 2006 में, 2006 ईस्वी में, यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात है, 2006 ईस्वी में क्या होता है कि एक मिट्टी के पात्र में 8,000 शैल खड़ी के मनके प्राप्त होते हैं। यहाँ 8,000 शैल खड़ी के मनके प्राप्त होते हैं, मनके प्राप्त होते हैं। तो ये इस सभ्यता की महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि ब्रोर जो सभ्यता है वो अपने गंगानगर में है। नदी यहाँ कौन सी बात की, हमने सरस्वती नदी की बात की, और उत्खनन इसका 2003 में हमने करवा दिया। और सबसे एक अच्छी बात हमने यहाँ पढ़ी कि मिट्टी के पात्र में यहाँ 8,000 मनके मिले हैं, और जो कि 2006 में यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगर इस सभ्यता की दो छोटी छोटी बातें हम और करें, तो वो एक तो ये थी, ये जो सभ्यता स्थल था शहरी स्थान था भाई, शहरी सभ्यता यहाँ थी। और दूसरी बात ये भी ध्यान रख लेना, यहाँ पर बटन के आकार की मुद्राएं मिली है, आकार की मुहरें बटन के आकार की मोहरे यहाँ पर मिली है, तो ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है।
इसी के साथ तमाम जो सभ्यता स्थल है अपने सारे हर एक सभ्यता स्थल को बड़े गहन तरीके से हमने पढ़ा है, किसी में कोई दिक्कत कहीं पर है नहीं। आप लोग इसको एक बार अगर नहीं समझे तो दूसरी बार देख लेना, और अगर ये सारी जानकारियां आप लोगों को अच्छी लग रही है, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आप लोगों को एक सार और निचोड़ के रूप में उपलब्ध करवाई है, अगर वास्तव में ये चीज आपको पसंद आ रही है तो आप इसमें ये कंजूसी कतई नहीं करना, शेयर करना, इसे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और अन्य लोगों से भी करवाना, और उनको भी ये बताना कि इस प्रकार की कक्षाएं यहाँ पर चल रही है और हमें भी अध्ययन करना चाहिए। और यानी अपना जो सभ्यता स्थल है ये बेहतरीन तरीके से हमने ये पूरा किया है, मुझे लगता है आप सभी लोगों को ये पसंद आया होगा। इसी के साथ आज की कक्षा यही संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।